देखो बेटे, सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझो कि जो ये टॉपिक है मास कम्युनिकेशन का, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें तुम्हें बताया जाएगा कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है और मास कम्युनिकेशन किस काम आता है। सबसे बड़ी बात आती है कि ये मास का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय मास। कुछ लोग तो समझेंगे भैया वो वाला मास, नहीं, मास मतलब होता है लार्ज। मास मीन्स लार्जली क्वान्टिटी, जिसमें क्या कुछ क्वान्टिटी हो, जो कुछ स्पेस करता हो, नॉट डिफाइंड बॉडीज का, नॉट डिफाइंड बॉडी ऑफ द स्पेस इज नोन एज अ मास, एंड अ मास मींस लार्ज, एंड द कम्युनिकेशन इज द लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन क्या है? लैटिन वर्ड, जो किस वर्ड से निकला? कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब क्या है? टू शेयर, व्हिच मींस टू शेयर द आइडिया, ओपिनियन, फैक्ट और इमोशंस। सबसे पहली बात, जो हमने ये नोट्स बना के दिए हैं, ये हमारी पूरी बुकलेट है, आपको केवल इस बुकलेट में से इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, और जब पढ़ते हैं उसके बाद इसी तरीके से शीट लिखनी है, और उसके बाद आपको खुद लिखना है क्या हमने क्या पढ़ा। हमने मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? मास कम्युनिकेशन। क्या है मास कम्युनिकेशन? हेयर द टू वर्ड इज यूज, फर्स्ट इज अ मास एंड सेकंड इज अ कम्युनिकेशन। हेयर द मास मींस, क्या मतलब है? लार्ज, यानी बहुत बड़ा। और कम्युनिकेशन इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस वर्ड से निकल के आया? कम्युनिस। लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिस, जिसका मतलब होता है टू शेयर। हेयर व्हाट वी वांट टू बी शेयर, वी वांट टू बी शेयर आइडिया, इमोशंस, ओपिनियन और फैक्ट्स। आप याद रखो, कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बात करते हैं। लेकिन जब इसमें मास वर्ड यूज आता है तो इसका मतलब होता है कि सिंगल टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में, एक समय में बहुत सारे लोगों से बात करना, बहुत सारे लोगों से बात करना। अब आप यहीं से समझ जाओ कि पूरी बुक आपको ये बात बताएगी कि आपको लोगों से बात कैसे करनी है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर, टू शेयरिंग द एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। अब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे और जो शेयर करने के बारे में सीखोगे वही हम सब तुम्हें मास कम्युनिकेशन में पढ़ाएंगे। मास कम्युनिकेशन में दो तरीके से फॉर्म होती है, एक होता है ट्रेडिशनल फॉर्म और एक होता है मॉडर्न बेस। अब यदि मैं बात करूँ किसकी? ट्रेडिशनल फॉर्म की। तो ट्रेडिशनल फॉर्म में आते हैं न्यूज़ पेपर, प्रिंटिंग, ये सब जो है वो कौन सा वे है? वो ट्रेडिशनल वे है। चल कोई बात नहीं, मॉडर्न वे में क्या आती है? ई मेल, सही बात। व्हाट्सएप, क्या आती है? व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब क्या है? ये मॉडर्न वे। बैठ जाओ भी बेटे। ट्रेडिशनल फॉर्म में किसके बारे में बात करते हैं? न्यूज पेपर की, प्रिंटिंग की। और मॉडर्न वे में क्या करते हैं? ई मेल, व्हाट्सएप, ट्विटर। लॉजिक समझ आया? तो यहीं से बात आई, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन, टू शेयर योर एक्सपीरियंस थ्रू द अदर्स एंड यूज द मॉडर्न वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। और ये जो मैंने 10 शीट बनाई है, इस 10 शीट में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मतलब क्या है? आपको बैठ के इसे पढ़ना है और दोबारा इसे यहाँ पर लिखना है। इसी वजह से मैं आपको दोनों चीज़ें हाथ से समझाऊंगी। तो यहीं से बात आई, मास कम्युनिकेशन, हियर द वर्ड मास मींस लार्ज एंड द कम्युनिकेशन इज द लैटिन वर्ड which comes from the word communis, which means to share. Here the share means idea, opinion, fact and emotion. What is a communication? Communication is a social interaction through the messages. ये NIOS की बुक में ही लाइन लिखी हुई है, उसमें समझ निकाली है। Communication is sharing of experience. Communication में अपने experience को share करते हैं। ये question पूछा जा सकता है कि any five reason why we communicate. हम communicate क्यों करते हैं? तो पहले आप ये 1 और 2 लाइन जो ऊपर लिखी है दोनों लिख दो। It is social interaction through the messages and sharing of the experience. The communication is to motive to the others. Communication क्या देता है? कई बार motive देता है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा subject, वरना किताबें तो NIOS से भी आई, उन्हें भी पढ़नी है हमें। लेकिन बात समझने की है कि कम्युनिकेशन हमें मोटिव देता है। जब एक गुरु या एक मम्मी पापा आपको समझाते हैं तो कई बार वो मोटिवेट होकर समझाते हैं, कई बार मम्मी पापा की बात भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, सारा दिन पढ़ते ही रहे क्या हम नहीं पढ़ेंगे अब, हमें तो और भी कुछ काम करने हैं। लेकिन कई बार जब सर समझाते हैं तो वो बात बच्चों को लगती है। आज भी इंडिया की स्टडी वही है कि मम्मी पापा कहते हैं देख तेरी मैडम से शिकायत लगाऊंगी, छोटे बच्चे भी मैडम की शिकायत से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता माना गया है। इंडिया में गुरु की बहुत इज्जत है,
हमने दोहे भी याद करे, पढ़ा तुमने दोहा बचपन में, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू का है, बलिया गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी का दोहा है जिसमें कबीर दास जी कहते हैं यदि गुरु खड़ा हो गोविंद खड़ा हो तो पहले, कबीर कहता है अपने हिसाब से कि मैं पहले गुरु के चरण पकड़ूंगा क्योंकि वही मुझे बताएंगे कि संसार में हमें आगे कैसे जाना है। द कम्युनिकेशन गिव्स द मोटिव टू द अदर्स। कम्युनिकेशन हमें क्या देता है? कम्युनिकेशन मोटिव देता है। द कम्युनिकेशन इज हेल्प्स टू इन्फॉर्म। कम्युनिकेशन से क्या मिलती है? कम्युनिकेशन हमें इन्फॉर्म करता है, हमें मैसेज देता है। एंड कम्युनिकेशन हेल्प अस टू टीच। कम्युनिकेशन हमें टीचिंग देता है, हमें पढ़ाने की भी काम आता है। अब जो मैं यूज कर रहा हूँ वो तुम्हें पढ़ाने की तो कोशिश कर रहा हूँ क्यों बेटा, लेकिन एक बात और आती है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बारे में सुना है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है, ढोर गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोर जो बिल्कुल ढोर होते हैं जैसे जानवर वगैरह ढोरों की तरह काम करते हैं, कहते ढोर बन जाओ जो केवल खाता रहे और कुछ काम ना करे उसे क्या बोलते हैं? उसे ढोरी बोलेंगे। गवार जिससे बिल्कुल बुद्धू हो उसे थोड़ा डांट के रखना चाहिए। शूद्र मतलब ये कहते हैं कि जो बहुत निम्न जाति के होते हैं, जो मतलब बहुत शरारती रहेंगे, उन सब के लिए यहाँ बात की गई। यहाँ पे कास्ट के लिए लोग जोड़ते हैं कि धर्म को चार भाग में बांटा है, वो नहीं कह रहा। शूद्र वो लोग होते हैं जिनके कर्म नीचे होते हैं। तुमने एक और दोहा महाकाल के बारे पढ़ा होगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। तो यहाँ उन्हीं चंडाल के बारे बात की गई जिनके कर्म बहुत तुच्छ है। जो गाय को मारता हो वो कैसा हो गया इंसान? वो बहुत तुच्छ प्रवृत्ति का इंसान होगा। इसी मारे यहाँ बताइए ढोर गवार शूद्र पशु नारी। नारी मतलब जैसे लड़कियां बहने हो गई, मम्मी हो गई, इनको भी समय समय पर थोड़ी डांट लगाते रहना चाहिए क्योंकि माँ को डांट लगाना नहीं बता रहा हूँ। माँ को डांट कौन लगाएंगे? उनके बड़े। उन्हें डांट इसमें लगाना चाहिए, यदि उन्हें डांट नहीं लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगी? वो भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो जाएंगी। इसमें उन्हें भी समय समय पर समझाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है घर जाके डंडा लेकर तो अपनी बहन को पहले लग जाए, नहीं बेटे, उसे मतलब समझाने के लिए उसे डांटते रहो, समझ गए? तो ये सब चीज जो मैं तुम्हें बताया अभी, मैं बोला ना ये वाली बात, तो ये क्या है? इसे ही बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, जिससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है? वर्बल और नॉन वर्बल। यहाँ पे आई वर्बल। वर्बलिंग का मतलब है ओरल। ओरल में हम बात करेंगे जैसे स्पीकिंग करना और लिसनिंग करना। अब मैं बोल रहा हूँ तुम लिसन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा ऐसे काम करना, मजे आ रहे हैं, कुछ लिखना पड़ नहीं ना, क्योंकि जब तक हम अपने हाथों को कष्ट नहीं देंगे तब तक तो सारी चीज बढ़िया लग रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है सुनने का भी मन नहीं करता है, घर वाले कहते हैं पढ़ ले, तुम सारा दिन पढ़ाई की बात करते रहते हो, कभी तुमने देखा मैं इतनी देर पहले पढ़ के ही उठाऊं? घर वाले पढ़ाई करते समय तो नहीं देखते हैं, ये भी हकीकत है। घर वाले जब देखते हैं जब हम फोन चलाते हैं या फिर हम कहीं खेलने चले जाते हैं, ये हकीकत बात है। और रिटर्न में क्या है? राइटिंग और रीडिंग। ये जो हमने लिखा है ये कैसा है? ये राइटिंग में, और ये कैसा है? ये रीडिंग में। तो अभी हमने जो लाइन पढ़ी उसी को लिखने का वक्त आ गया। हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या बताता है, तो कम्युनिकेशन हमें क्या देता है? कम्युनिकेशन मोटिवेशन देता है। कम्युनिकेशन से हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू सुपरविजन। कम्युनिकेशन किस काम आता है? सुपरविजन के काम आता है। तो आप यहाँ रख लो लार्ज मीडियम स्मॉल, क्या चलेगा भाई? पहले मैंने क्या है? लीडर। कम्युनिकेशन से अच्छी लीडरशिप आती है, कम्युनिकेशन से मोटिवेशन आता है, कम्युनिकेशन सुपरविजन होता है, और लास्ट सी मतलब क्या है? कमांड। ये कमांड देने का काम आता है। जितनी अलग अलग भाषा से हम बात कर सकते हैं उतना ही हम एक अच्छे सभ्य इंसान बन सकते हैं। मनुष्य वो समाज में इज्जत पाता है जिसकी वाणी अच्छी है। इसमें सबसे पहले अपनी किस पर ध्यान देना चाहिए? वाणी पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम मृदुभाषी हो, ऐसी वाणी बोलते हो कि सामने वाले सुनना अच्छा लगता है, तो तुम एक अच्छे इंसान के दायरे में आते हो। अब तुम गली में जा रहे हो, अपने दोस्त को बुला रहे हो, आप उनसे कहो भाई जरा सुन लो, तो ये बात बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे वही डैश जरा सुन लें, दोस्तों में तो ये चलती है। और आजकल तो एक नई थीम चली रही है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ये बात हमें बोलनी अच्छी लगती है, यार मेरे तो सारे फ्रेंड व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह से हम ये बात सोचते हैं। लेकिन वक्त के हर मोड़ पर काम कौन आता है? हमारे दोस्त काम आते हैं। लेकिन यदि वो दोस्त पूरी जिंदगी हमारे साथ रहे तो वो बात क्या होती है? वो बात अच्छी होती है। बेकार क्यों होती? वही दोस्त जिसने तेरी पहले हेल्प करी, वही हर बार मुसीबत पड़ेंगी मुसीबत में दोस्त हमारी मदद करेगा। लेकिन यदि मुसीबत में वही दोस्त जिसने पहले मदद करी थी वही दोबारा मदद करे तो वो बात हमारे लिए बहुत काम की है। ये कई दोस्त ऐसे भी होते हैं ना कि ठीक है दो मदद पड़ रही है वगैरह, मैं जल्द मान दे। हाँ
ये लड़का वाकई में भावुक हुआ, ऐसे इस साथ ऐसी हुआ बच्चे भैया हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फिर बात आती है कम्युनिकेशन हमें क्या सिखाता है। कम्युनिकेशन से यू आ गया, यूएजी, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम अपने रिसोर्स का। कम्युनिकेशन हमें एलोकेशन नहीं काम आता है, हमें पहचानना चाहिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और हमें उन सब चीज़ों के साथ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। जो हमने ये बातें पढ़ाई, यदि आप ये बात समझ गए तो बात बन जाए। इसी वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में, वो दो तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या, ओरल स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए। नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, तुम जो व्हाट्सएप पे इमोजीज यूज करते हो सब, बॉडी लैंग्वेज। कई बार तुम्हें देखा होगा बॉडी लैंग्वेज जो होते हैं वो हाव भाव, उससे ज़्यादा इंसान की इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है। यदि हम बोले वी आर इंडियन, अभी बोले तरीके देखो कितने, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, कोई ऐसे बोले हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, अब इसी बात को वी आर इंडियंस, ये लाइन ऐसी करती कि हाव भाव भी लग गए और अब बात में दम आ गया। वी आर इंडियंस, फर्स्टली वी नीड टू बी थिंक अबाउट अवर मदर लैंड, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एजुकेशन, कम्युनिकेशन हमें क्या सिखाता है, कम्युनिकेशन हमें एजुकेशन सिखाता है। कम्युनिकेशन हेल्प अस टू यूज अवर एनर्जी, ये हमें हमारी एनर्जी के इस्तेमाल के बारे में समझाता है। कम्युनिकेशन हमें इफेक्टिवनेस बनाता है, कम्युनिकेशन हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कम्युनिकेशन हमारी एक्सेप्टेशंस को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन हमारी एक अच्छी एक्सरसाइज करता है। कहते हैं इंसान के लिए सबसे आसान काम क्या है, बोलना। इंसान का सबसे आसान काम क्या है, कम्युनिकेशन करना। अब मैं तो उससे पूछी हाँ भाई चल रहा घूमने, हाँ भैया चल रहे, कितना आसान काम होना चल ले, बिना पता घर जाके पिटेगा कितना, कैसे किससे लेगा, मम्मी से ही तो लेगा। मैंने चल भाई शिमला चल रही है, हाँ भैया चल रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊँगा। घर गया, मम्मी मुझे घूमने जाना, मम्मी यही दिल्ली जा रहा हूँ, ले 200 रुपये ले जा, मम्मी 2000 पे थी कम से कम, मैं शिमला घूमने जा रहा हूँ। फिर क्या लगेंगी, उड़ते हुए बेलन, उड़ती हुई चप्पलें और देवेशगढ़ से बाहर, ऐसा होएगा भाई। फिर डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है डिसिप्लिन। हमारे अंदर क्या नहीं चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए, हमें डॉक्ट्रिन करना चाहिए, डॉक्ट्रिन द इवेंट। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है अपने आप जांच पड़ताल करना चाहिए कि आ, वो काम जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। डेडिकेशन, हमारे मन के अंदर अपनी क्या नहीं डेडिकेशन होनी चाहिए अपने काम के प्रति, हमें अब तत्परता प्रेरणा क्षमता दिखानी चाहिए। फिर यू मतलब आता है यूटिलाइजिंग, यूटिलाइज करना अपने समय को, जैसे यूटिलाइज करना आ गया वो सबसे ज्यादा इंसान बन गया। पीछे पलंग पे बैठे हुए तीन बालक गांधी जी के तीन मंदिर से कम नहीं लग रहे हैं, तीनों कर क्या रहे हैं, जितना हो सके उतना समय बर्बाद। एक बंदर को सरवाई, एक बंदर मेरे पास आके बैठा, दूसरे बंदर ने क्या बोली, दूसरे बंदर ने अपनी सच्चाई बताई, मैं तो जी वाला टाम कर रहा था। तीसरा बंदर ज्यादा बढ़िया निकला, तुमने सच बात बोली, क्या जी मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारी बात सुन रहा था। कैसी रही, तू सुन कह सकता है, तू तो वाला बंदर जिसे कान बंद है। सी माने क्या है भाई, सी माने होती है कमांड। एजुकेशन जब आती है जब एक कमांड हमारे पास होगी, और कम्युनिकेशन क्या सिखाता है, कम्युनिकेशन हमें कमांड ही देता है। उसके बाद बात आती है ए, द एबिलिटी, वी नीड टू शो अवर एबिलिटी, एवरी पर्सन हैज द एबिलिटी टू डू देयर डिजायर वर्क, वी कैन कंप्लीट अवर टास्क इफ वी हैव द एबिलिटी फॉर डूइंग द वर्क। एजुकेशन हेल्प अस टू टी टाइम, टू यूज द टाइम, अपने समय का इस्तेमाल करना हमें कौन सिखाता है, टाइम, टाइम सिखाता है। फिर उसके बाद आती है इंटरेस्ट, वी नीड टू टेक द इंटरेस्ट, कोई ना लेता इंटरेस्ट, पढ़ाई करा मैं सुबह एक समय। यदि मैं इसकी बजाय इन्हें पिक्चर दिखाने ले जाऊँ एक दिन, जो बच्चे ट्यूशन आ भी ना रहे वो बच्चे आ गए, भैया हमारे पैसे जमा कर लो, नाम लिख दो हमारा, बाकी तू देख, हाँ देखो बड़े खुश, मुझे मालूम भी ना बाकी तू देखने चले। इसका मतलब ये है बालकों को पढ़ाई से ज्यादा और चीजों में इंटरेस्ट हुआ करता है। फिर बात आती है ओ, द अपॉर्चुनिस्ट, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट इज द नेशनलिटी, देखो कुछ समझ आए या ना आए, हमें आनी चाहिए नेशनलिटी के बारे में अपनी समझ। आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो एक एक फ्रीडम फाइटर के क्या लिख के लाएंगे, एक एक फ्रीडम फाइटर के कोर्स लिख के लाएंगे, हाँ सब बच्चे। सबसे पहले मैं वो उस बंदर की बात करूँ जिसे कान बंद है, कान खोलने बंद है, आपको क्या लिख के लाने, कोर्स लिख के लाने। अब ये कोर्स क्या होते हैं, उनकी मॉरल्टी के जो उन्होंने वर्ड लिख रखे हैं, इसमें जैसे भगत सिंह की
दो तीन मुझे चंद्र दो मैं तुम्हें जा रही दो इस टाइप के। हाँ बेटा परसों बेटा जो भी है लिख के लाना, जो ये वीडियो देख रहा हो वो उसमें भी बेचारे को लिखने का मन करे वो भी लिख लाना। क्यों बेटे बेटे पढ़ाई तो बेचारे की होती नहीं होती ना, कोई मास कम्युनिकेशन की वीडियो यूट्यूब पे नहीं देगा। नया वर्ड बताया था मैंने, नेटिजन क्या है? क्या था वो? नेटिजन। नेटिजन भगत सिंह और चंद्रशेखर की पल्ली। भगत सिंह और चंद्रशेखर नया वर्ड डिस्कवर हुआ है। अरे एक और वर्ड आया उससे एक और। क्या बेटा ये क्या है? तुम मेरे खिलाओगे गाने के ऊपर? क्या तुम घर जा रहे हो? गूंगा वाला चलो बाय। उसे वो मेरे देखने वाला उसे भी दिखी वाला बहुत बढ़िया जाएगा। बस बेटा इसमें यही सब कुछ पढ़ना है।